नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का बचा हुआ सॉल्यूशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Little do you know, I'm still haunted by the memories. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया है और इसमें कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी कि 17th टर्म में से अगर हम लोग 10th टर्म को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 7। और आपको टर्म निकालने का फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि 17th टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस 16 डी, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है 10th टर्म का, ए प्लस 9 डी, यानी एक एक कम हो जाता है, इज इक्वल टू 7। देखिए ये माइनस लिखा है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का ए और माइनस का 9 डी हो जाएगा, ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 7 डी। और यहाँ पर कितना है, 7, 7 से 7 कट गया तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन हमारे पास दिया है जिसमें कह रहा है इस वाली एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो पहले हम ये एपी लिख लेते हैं, इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, और डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 में से 3 गया कितना बचा, 12। अच्छा कौन सा टर्म, विच टर्म, तो हम मान लेते हैं वो टर्म होगा nth टर्म जो 54th टर्म से ज़्यादा होगा, तो हम nth टर्म में से 54 को माइनस कर देते हैं और कितना ज़्यादा होगा, 132। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। 54th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 53 डी, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू 132। देखिए ये ए लिखा है प्लस यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, माइनस ए माइनस 53 डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 132। ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है, तो डी ले लीजिए कॉमन, यहाँ पे बचा एन माइनस वन माइनस 53 इज इक्वल टू 132। डी की वैल्यू यहाँ से रखिए, 12, एन माइनस ये दोनों ऐड होकर 54 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 132। इसको 12 से कैंसिल करिए, 12 बन जा 12 बन जा, एन इज इक्वल टू ये इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 54 ऐड हो जाएगा, 5 और 4 और 1 5, 5 और 1 6, एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 65। हमारे पास 12th क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है दो एपी हैं, तो जो पहली एपी हो गई उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग मान लेते हैं ए, जो डिफरेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं डी, जो सेकेंड एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल ए, और जो उसका डिफरेंस है वो हम लोग मान लेते हैं डी। ये दोनों सेम क्यों माने, क्योंकि लिखा है सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो इसका 100th टर्म कितना होगा, ए प्लस, देखिए 100th टर्म कितना होता है, ए प्लस एक कम होके 99 डी, और इसका 100th टर्म कितना होगा, ए प्लस ये भी 99 डी, इस तरीके से, और इज इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया गया है आपको, 100। तो देखिए ये ए लिखा है 99 डी लिखा हुआ है, ये माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू कितना, 100, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि ए माइनस ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 100। अब आपको 1000th टर्म निकालना है, इस एपी का 1000th टर्म कौन सा होगा, ए प्लस 1000 में से एक कम करिए, 999 डी, इसमें से इसका 1000th टर्म कौन सा होगा, ए प्लस 999 डी, एक कम होके आएगा ना, अब ये आपको निकालना है, तो देखिए ये ए लिखा है प्लस 999 डी, यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस का ए माइनस 999 डी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, ए माइनस ए, ठीक है, तो ए माइनस ए कितना है आपके पास, 100, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन 100th 1000th टर्म, तब इसको हम लोग करेंगे, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 100। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें एक एपी बनानी पड़ेगी। तो थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 100। जरा इसको 7 से कट करिए, 7 बन जा 7, बचा कितना? 3 हो गया 30। कुछ ज़्यादा लगाइए, 7 5 जा 35, यानी यहाँ पर कितना आ गया? -5। इसमें 5 ऐड कर देंगे, चलो वो बाद में, हम अभी आपको बताते हैं। लार्जेस्ट कितना होता है? 999। इसको 7 से करिए, 7 बन जा 7, बचा यहाँ पे 2 हो गया 29। 7 4 जा 28, बचा 1 हो गया 19। 7 2 जा 14, कितना बचा आपके पास? 5। अब देखिए, हमें एपी बनानी है, तो एपी जो हो जाएगी वो 100 में 5 जुड़ेगा यहाँ पर, 105। दूसरा, 7 7 का डिफरेंस लेंगे क्योंकि 7 से डिविजिबल है, तो 112, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता चला जाएगा। अब यहाँ लिखा है 999, इसमें से 5 माइनस करिए, तो 994, ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट डिजिट। तो हमारे पास टोटल एपी बनकर ये आ जाएगी। अब आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास एपी बनकर आ गई है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है? 105, डिफरेंस तो 7 का है। लास्ट टर्म कितना है? 994। हमें निकालना है हाउ मेनी टर्म्स, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो रख देंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 105, एन माइनस वन पता नहीं है, डी की वैल्यू 7 है आपके पास। यहाँ लिखा है 994, इसमें से 105 को माइनस करिए, तो 14 में से 5 गया बचा 9, यहाँ बचा 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया बचा 8। इसको 7, अब यहाँ पे लिखा है एन माइनस वन इंटू 7, 7 से इसको कट करिए, तो 7 बन जा 7, बचा 1 हो गया 14, 7 2 जा 18 हो गया, 7 2 जा 14, बचा 4 हो गया 49, 7 7 जा 49। ये इधर माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1, यानी 127 में 1 ऐड होगा तो 128, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन कह रहा है कि कितने 4 के ऐसे मल्टीपल होंगे जो 10 और 25 के बीच हैं। तो 4 का अगर टेबल पढ़े तो पहले आ जाता है 12, फिर आ जाता है 16, फिर आ जाता है 4 ऐड करोगे 20, लेकिन हमें लास्ट का पता करना पड़ेगा ना। 250 को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो करिए 6 जा 24, बचा 1 हो गया 10, 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, यानी 250 में से 2 को घटाएंगे, यानी कि 248 आपके पास आ जाएगा लास्ट टर्म। तो ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू 16 में से 12 गया 4, लास्ट टर्म कितना है? 248, और आपको निकालना क्या है? एन, लगाइए फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 12, एन माइनस वन पता नहीं है, डी की वैल्यू 4 है। अब 248 में से 12 जाएगा, तो 8 में से 2 गया बचा 6, 4 में से 1 गया बचा 3, 2 यहाँ पर ऐसे बच जाएगा। यहाँ पे बचा एन माइनस वन इंटू 4, 4 से कट करिए इसको, तो 4 से कट करेंगे, 4 5 20, बचा 3 हो गया 36, 4 9 36, यहाँ पे आ गया एन माइनस वन, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, यानी 51 में 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 60। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।